टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 66 रनों से हार गई। 3 मैचों की सीरीज को टीम इंडिया पहले 2 मैच जीतकर अपने नाम कर चुकी थी। इस मैच के बाद विनिंग ट्रॉफी लेने के लिए भारतीय कप्तान को बुलाया गया, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सीरीज जीतने के बाद अवार्ड सेरेमनी के दौरान ट्रॉफी को हाथ तक नहीं लगाया। जब ट्रॉफी कलेक्ट करने की बारी आई तो रोहित ने केएल राहुल को आगे कर दिया। केएल राहुल इस सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में टीम इंडिया के कप्तान थे। पहले तो रोहित शर्मा फोटो के लिए फ्रेम में ही नहीं आ रहे थे, लेकिन निरंजन शाह के बुलाने पर रोहित शर्मा वहां पहुंच गए। इसके बाद रोहित ने ट्रॉफी से दूरी बनाकर रखी, उन्होंने पास खड़े होकर सिर्फ थम्सअप का इशारा किया। इसके बाद फिर भारतीय टीम के लिए केएल राहुल ने जीत की विनिंग ट्रॉफी कलेक्ट की। इसके बाद जब ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम की ग्रुप फोटो की बारी आई तो हर कोई ये जानना चाह रहा है कि इस तस्वीर में ट्रॉफी के साथ दिख रहे ये 4 खिलाड़ी कौन है। टीम इंडिया के लिए जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ था उसमें 1 खिलाड़ी नहीं थे, फिर आखिरकार ये खिलाड़ी टीम के साथ क्या कर रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। ये खिलाड़ी हैं धर्मेंद्र जडेजा, प्रेरक मांकड़, विश्वराज जडेजा और हार्विक देसाई। ये चारों सौराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे। मैच से ठीक पहले ईशान किशन भी बीमार पड़ गए थे। भारत के पास सिर्फ 12 ही खिलाड़ी बचे थे। ऐसे में मैच के दौरान सब्स्टिट्यूट के रूप में फील्डिंग करने और ड्रिंक्स को मैदान तक ले जाने के लिए धर्मेंद्र जडेजा, प्रेरक मांकड़, विश्वराज जडेजा और हार्विक को टीम इंडिया के साथ जोड़ा गया था। प्रेरक आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं। हार्विक 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के विकेट कीपर थे। वहीं अगर मैच की बात करें तो भारतीय टीम के हार की सबसे बड़ी वजह मिडिल ऑर्डर का नहीं चलना रहा। केएल राहुल के साथ श्रेयस अय्यर को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन दोनों ही बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इस मैच में भारतीय टीम एक कम बल्लेबाज के साथ खेल रही थी। रोहित शर्मा के साथ वॉशिंगटन सुंदर ओपनिंग करने उतरे थे। जहां रोहित कुटाई कर रहे थे तो सुंदर ने 30 गेंद पर 18 रन ही बनाए। 353 रनों का पीछा कर रही टीम इंडिया अंत में 66 रनों से ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गई।